सेवा में लगे हुए हैं, वो भी उनका आदेश पालन कर रहे हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा आपकी टीम को। आदेश का पालन कर रहे हैं। फैमिली का कोई नहीं, हमारी ड्यूटियां सरकारी, हमारा काम है सर, अपनी ड्यूटी को निभानी है। किस वायरस से लड़ रहे हैं? कचरा उठाते हैं, हाथ और डाल देते हैं। सफाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी पूरी सुविधा दे रहे हैं। जैसा किए रहेगा जैसा हम करते रहे, हम भी सफाई नहीं करेंगे तो और बढ़ जाएगा कोरोना। जाते ही घर से बाहर पहले सैनिटाइजर हाथों पे लगाते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं, सुबह सुबह आते हैं हम लोग और हमारे गार्बेज घर घर से लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं, बार बार हाथ धोते हैं। सेवा तो करना ही, आप जब भी आप पुलिस वाले अभी तो कर रहे हैं सबकी सेवा। ड्यूटी पे आते हैं तब लोगों से कहते हैं कि घर में रहें और साफ सुथरा मोहल्लों में सफाई बनाए रखें। हम सबको पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी टीम को। नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बिग सल्यूट और मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की वजह से देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है। एहतियातन हजारों कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं, लेकिन हजारों ऐसे भी कर्मचारी हैं जो घर में नहीं रह सकते, उन्हें सड़कों पर उतरना ही पड़ रहा है, फिर वो पुलिस वाले हों, मीडिया कर्मी हों या सफाई कर्मचारी। इस लॉकडाउन में सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा लेकर अगर कोई काम कर रहा है तो वो हैं सफाई कर्मचारी। कोरोना और जान की परवाह किए बगैर ये आपकी सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं, क्योंकि कोरोना को भगाना है तो स्वच्छता तो रखना जरूरी है। कैसे ये सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्या सोचते हैं ये सफाई कर्मचारी, ये जानने के लिए R9 टीवी की टीम जो है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पहुंची और इन्हें देखकर हम इन्हें बिग सल्यूट करते हैं। हम लोग तो पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं, मोदी जी का आदेश पालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तरह से सफाई कर्मचारी ड्यूटी पर लगे हुए हैं, उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सफाई कर्मचारी क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए संवाददाता संदीप खेर लखनऊ की सड़कों पर उतरे और सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंचे, उनसे बातचीत की। चलिए वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। जहां पूरे देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है, लोग अपने घरों में कैद हैं कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो जाए, पर वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें और आपको इस गंदगी को फैलने के साथ साथ इस संक्रमण के होने से बचा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रोड पर उतरे हुए ये वो सफाई कर्मचारी हैं जिन्हें ना ही इन्फेक्शन का डर है ना ही कोरोना का डर है, इन्हें सिर्फ आपकी चिंता है और सिर्फ आपकी चिंता। और इनकी सोच है कि अगर हम लोग कूड़ा उठाना बंद कर देंगे, अगर हम लोग सफाई करना बंद कर देंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं से जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो शायद बढ़ जाए। तो आपको बता दें कि लगातार हम लोग तो अपने घरों में कैद हैं, पर जो हमारे सफाई कर्मचारी एक फाइटर के रूप में रोड पर उतर कर काम कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए कि आपको किसी तरह का खतरा ना हो, आपको किसी तरह की बीमारी ना हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम लोग रोड पर उतरे हैं, सफाई कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस दौरान इन्हें किस तरह की दिक्कत हो रही है, किस तरह का इनको सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हमारे साथ भैया मौजूद हैं। आप रोड पर उतर के सफाई कर रहे हैं, आपको कोरोना वायरस का डर नहीं है? डर तो है, लेकिन क्या करें सर, सफाई तो करनी है। अच्छा, किस तरह के प्रिकॉशन यूज कर रहे हैं आप इस दौरान? अच्छा, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं, ये घर में जाते हैं तो साबुन से ही हाथ धो लेते हैं, सब सैनिटाइजर होता है तो सैनिटाइजर से धो लेते हैं,
और अपने बच्चों बीवी को घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद नहा धो के एकदम घर के अंदर कैद हो जाते हैं। अच्छा, जहाँ हमारा पूरा देश 21 दिनों के लिए लॉकडाउन है, वहीं पर आप रोड पर उतर कर काम कर रहे हैं, कैसा फील आ रहा है? लगता है कि हम देश के लिए हमने अपनी जान को जोखिम में डाला हुआ? जी जी जी, मोदी जी का हम लोग जो है आदेश का पालन कर रहे हैं। उनका कहना है कि अच्छे से सबकी सेवा की जाए। आपसे बात करेंगे, इस समय जहां कोरोना वायरस फैला हुआ है वहीं पर आप रोड पे उतर कर काम कर रही हैं, लगता कहीं ना कहीं से एक फाइटर के रूप में काम कर रहे हैं लोगों के लिए। हम लोग घरों में कैद नहीं हुए हैं। हम लोगों को घरों में कहां है, एक दिन की छुट्टी नहीं मिल रही है। हम लोग तो पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं, मोदी जी का आदेश पालन कर रहे हैं। लोगों की सेवा करनी तो जरूरी है, क्या कर ही रहे हैं हम लोग। तो आपने देखा कि किस तरह से जो सफाई कर्मचारी हैं, जो कह सकते हैं कि एक फाइटर के रूप में काम कर रहे हैं, ना ही उन्हें कोरोना वायरस का डर है, ना ही उन्हें किसी तरह के संक्रमण का। साफ तौर पे उनका कहना यह है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पालन कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोग रोड पे उतरे हैं। संदीप खेर, कैमरा पर्सन अमीश के साथ, R9 TV, उत्तर प्रदेश। लखनऊ की तस्वीर हमने आपको दिखाई, चलिए अब ग्रेटर नोएडा की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ हमारे सहयोगी अक्रम खान जो हैं सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंचे, सफाई कर्मचारियों से बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है चलिए सुनवाते हैं। देश भर में कोरोना लगातार कहर बनकर लोगों पर टूट रहा है। यूपी में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन कोरोना फाइटर्स भी इसको हराने के लिए लगातार लगे हुए हैं। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जिनके जज्बे को सलाम करना पड़ेगा, क्योंकि लोग कोरोना से बचने के लिए घर में लॉकडाउन है, लेकिन ये ऐसे योद्धा हैं जो सड़क पर उतरकर इस गंदगी को सफा कर रहे हैं। और मैं तस्वीरें आपको दिखा दूँ, देखिए ये सभी कर्मचारी हैं जो बेहद बेचारे अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता देकर लगातार जो कूड़ा है सेक्टरों में उसको उठा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, मास्क लगाकर लगातार ये काम कर रहे हैं, कई घंटे की शिफ्टों में काम करते हैं ताकि जो गंदगी है वो इलाके में नहीं हो और जो कचरा है वो उठाएं ताकि और बीमारी नहीं फैले। लेकिन इन योद्धाओं को सलाम करना पड़ेगा। मेरे साथ डालचंद जी हैं जो इस पूरे इलाके को देखते हैं। डालचंद जी, सफाई आप यहाँ किस तरह से करते हैं, कोरोना हो रहा है, आप लोग क्या सावधानियाँ बरतते हैं और कैसे काम आप लोग कर रहे हैं? सर, जैसे कोरोना फैल रहा है उसको हम देखते हुए हमारी जो Alpha 2 की पूरी टीम है, मैं सुबह आके ही सारा चेक कर लेता हूँ कहाँ का गंदगी पड़ी हुई है, झाड़ू वगैरह लगवा के जो घरों से गार्बेज निकलता है उसको सारा उठवाता हूँ, और जो उसमें मास्क और जो क्या नाम है उसका हैंड ग्लव्स निकलते हैं उनको हम एक साइड में रखते हैं बैग में थैले में, और उसको डंप करवाते हैं डंपिंग ग्राउंड। जब से कोरोना हुआ है आप घर जाते हैं तो किस तरह से अपने आप को बचाते हैं? हालांकि डर भी होता है, हम जैसे लोगों को डर होता है, लेकिन आप लोग बिल्कुल शिद्दत से ड्यूटी कर रहे हैं, तो अपने आप को कैसे सेफ रखते हैं आप? हम सर जो मास्क और हैंड ग्लव्स रखते हैं और सैनिटाइजर रखते हैं घर पे, जाते ही घर से बाहर पहले सैनिटाइजर हाथों पे लगाते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं घर में। देखिए मेरे साथ कुछ और लोग हैं, जरा मैं इनसे भी जानूंगा। इलाके में जो आप सफाई करते हैं, कैसे आप लोग लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, कोरोना फाइटर्स भी आपको कहा जा रहा है, लेकिन आप जो साफ सफाई करते हैं वो कैसे करते हैं, लोगों का कैसे आप सेवा कर रहे हैं? जी, सुबह सुबह आते हैं हम लोग और तुम्हारे गार्बेज घर घर से लेते हैं और झाड़ू अपना बस। अच्छा, तो और ये देखिए सभी तस्वीर है, बेचारे सभी लोग लगे हुए हैं लगातार काम करने के लिए, क्योंकि कोरोना के फाइटर्स लगातार काम कर रहे हैं, तो इन लोगों में जज्बा भी है कि जिस तरह से ये मानव सेवा कर रहे हैं और जो महामारी देश में फैली हुई है उसके लिए लगातार सड़क पर उतर के काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी ये भरोसा है कि जल्द ही भारत इस कोरोना जैसी महामारी पर काबू पाएगा और जो देश के लोग हैं पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। अक्रम खान, R9 TV, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। बुलंदशहर लिए चलते हैं, समीर अली हमारे सहयोगी जो हैं वहां पर पहुंचे, सफाई कर्मचारियों से उन्होंने बातचीत की, उन्हें क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है चलिए सुनवाते हैं। R9 की टीम बुलंदशहर के अंसारी रोड चौक पर मौजूद है। मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरें, ये सफाई कर्मी हैं जो सुबह से ही शहर के सड़कों पर उतर आते हैं झाड़ू लेकर और पूरे शहर को स्वच्छ करने में लगे हुए हैं। जिस तरह का माहौल है कोरोना वायरस ने दिल और दिमाग में दहशत का माहौल बना दिया है लोगों के, ये लोग किस तरह से काम कर पा रहे हैं इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नानक सर। नानक जी, आप सुबह से ही सफाई में लग जाते हैं? सुबह 5 बजे आ जाते हैं। फैमिली का किस तरह का प्रेशर है? फैमिली का कोई नहीं, हमारी ड्यूटी है सरकारी, हमारा काम है,
हमारा काम है, नहीं लगता कि नहीं डरने का, नहीं डरने का कोई मतलब नहीं है, ये हमारे मोदी साहब का वो है आदेश है, आदेश है उनका पालन करना हमें। तो आपके जज्बे को सलाम, फैमिली क्या कहती है, फैमिली कहती है ना वायरस चल रहा है, ख्याल रखिए। हाँ सब कुछ करना पड़ता है। क्या क्या कहते हैं बताइए जरा हमें। यही कहते हैं भाई अपने अपने घरों में रहते हो, घर में रहो, अब बताओ घर में रहेंगे तो बच्चे कहाँ पालेंगे। तो आप नगर पालिका की वो है ना बात, नहीं तो नगर पालिका की तरफ छुट्टी नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या कैसा फील होता है, कभी कभी लगता है कि पूरी दुनिया घरों में बैठी हुई है, हम लोग क्या करें, सरकार करना तो पड़ता है, करना पड़ता है। तो ये मास्क वगैरह कहाँ से लिया आपने, मिला है ये अस्पताल में? कहीं अच्छा अस्पताल वालों ने दे दिया आपको, नगर पालिका का नहीं मिला। तो ये देख सकते हैं सफाई कर्मी हैं, इनके जज्बे को सलाम, जो कह रहे हैं कि क्या करें, काम तो करना पड़ेगा, नगर पालिका ने यहाँ इनकी ड्यूटी लगाई। बुलंदशहर से कैमरा पर्सन जाकिर खान के साथ सभी रही। और मेरठ में सफाई कर्मचारियों से बातचीत की, उनके दिक्कतों को सुना हमारे सहयोगी मुनव्वर चौहान ने, क्या कुछ कहा सफाई कर्मचारियों ने, किन दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा, चलिए दिखाते हैं आपको। देश में इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन किया गया है, लेकिन ऐसे में देश की साफ सफाई जिनके कंधों पर है वो मेरे साथ मौजूद है, यानी कि सफाई कर्मचारी। कोई घर में रहे ना रहे, लेकिन ये लोग तब से लॉकडाउन हुआ है जब से बाहर है और पूरे शहर को साफ करने में लगे हुए हैं, यानी कि पूरे तरीके से कोरोना वायरस से युद्ध लड़ने वाले और इस कोरोना वायरस को भगाने वाले लोग यही हैं, पूरे शहर को साफ किया है। इस गली को दिखाना चाहूंगा, ये गली आप देखिएगा, लगातार इसकी साफ सफाई होती है और आपको यहाँ पर साफ सफाई दिखाई देगी। और मुख्य सड़कों की अगर बात की जाए तो मुख्य सड़कों पर बिल्कुल साफ सफाई है, चकाचौंध बिल्कुल कर रखा है इन लोगों ने। इनसे जानने की कोशिश करूंगा हालांकि किस तरीके से कर पा रहे हैं। ये बताइए आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। विनोद जी ये बताइए, आप लोग साफ सफाई कर रहे हैं, कोरोना वायरस को लेकर के लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में आप ये सब कैसे कर पा रहे हैं? बस कर रहे हैं जी काम को, जब अधिकारी ऑर्डर ज्यादा कर रहे हैं। सही, डर नहीं लगता? डर लगता है। आप लोग घरों पर जाते होंगे शाम को सब काम करने के बाद, तो फिर वहाँ पर कैसे, मतलब घर वाले क्या कहते, कहते कुछ नहीं? कहते हैं छुट्टी लो। अच्छा, और फिर उसके बाद बाहर रहते हैं हम थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद घर जाते हैं हाथ पैर धो के, फिर घर में प्रवेश करते हैं। तो घर में घुसने के दौरान कुछ प्रिकॉशन बरतते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और पूरे हौसले से लड़ रहे हैं और जब तक भी ये रहेगा जब तक हम लड़ते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए आप लोगों को डर नहीं लगता? नहीं, हमें कहाँ का डर है, हमें कहाँ का डर है, जब मास्क लगा रखा है, वर्दी पहन रखी है, तो कहाँ का डर है? फिर मास्क लगा है, वर्दी पहनी है, तो कोरोना वायरस भग जाएगा? भग जाएगा, भग जाएगा। अच्छा, हाँ हौसला बुलंद है, सब कुछ भागेगा। घर पर जाते हैं तो फिर क्या कहते हैं घर वाले, कुछ कहते हैं? नहीं, घर वाले ये कहते हैं सावधानी रखो, सफाई रखो, आने के बाद में जो है अपना नहा धो करके साबुन से अपना हाथ पैर धोकर के बड़े तरीके से कपड़े बदल लो, बस कोरोना वायरस आ गया। तो कैसे लगा सर, सरकारी वर्दी है और सर काम कर रहे हैं, हम ही सफाई नहीं करेंगे तो और बढ़ जाएगा कोरोना, तो हम तो कोरोना से जंग कर ही रहे हैं। आम जनता को घर में रहना चाहिए, जो घर से बाहर घूम रही है खामा का, और घर जाते हैं कपड़े बदलते हैं नहाते हैं और फिर घर में पैक हो जाते हैं ड्यूटी करने के बाद। कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं? हम करते हैं जी 8 घंटे की ड्यूटी, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक, फिर 2 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी करते रहते हैं। अपनी अपना काम हम अच्छी तरह से कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से। देखिए ये लोग ये भी चाहते हैं इनको छुट्टी मिले, लेकिन नहीं, लगातार देश की सेवा इन्हीं कंधों पर है। क्या कहेंगे आप, इस समय लॉकडाउन है, कोरोना वायरस की दहशत है, आप लोग सड़कों पर हैं, साफ सफाई करते हैं, किस तरीके से सब कर पा रहे हैं, क्या डर नहीं लगता? देखो जी डर तो तभी भी है, पर करना तो पड़ेगा, ड्यूटी है हमारी, सरकारी नौकरी हमें करनी पड़ेगी, जनता की सेवा करनी पड़ेगी। आगे किस्मत है हमारी भाई, बीमारी से तो हर आदमी बचेगा, हमें बचने की वो है, पर क्या करें, करनी पड़ेगी हमें। अच्छा ये बताइए, आप लोग घर जाते हैं जी, घर में घर वाले क्या कहते हैं, क्योंकि सब लोग घरों में कैद होने की कोशिश कर रहे हैं, इससे डर रहे हैं, तो आप लोग बाहर रहते हैं, घर जाते हैं क्या होता है फिर? देखो जी जैसे हम घर जाते हैं अपने कपड़े बाहर ही निकाल देते हैं, कपड़े निकाल कर डिटोल में अपना हाथ धोते हैं, अपना वैसे तो अपनी तरफ से सफाई करते हैं हम अपने शरीर की भी जब अंदर घुसते हैं, पर आगे किस्मत मालिक भगवान मालिक हमारा भी, तो ये कहेंगे हम तो जी सफाई अपना करके जाते हैं। तो बिल्कुल जो शहर में सफाई कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं, हर जगह आपको इसी तरह देखने को मिल जाएंगे, सुबह से लेकर लोगों को शाम हो जाती है, लेकिन शहर की साफ सफाई लगातार करते रहते हैं। ऐसे में इस कोरोना वायरस को भगाने में अगर किसी का अहम रोल इस वक्त देखा जा रहा है तो पुलिस और प्रशासन के अलावा इन्हीं लोगों का है, क्योंकि शहर को साफ और स्वच्छ रखना
इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे में कोरोना वायरस भी साफ सफाई को देखकर ही जाएगा। कैमरामैन सलमान के साथ मनोवर चौहान, R9 टीवी, मेरठ। मेरठ के बाद चलिए कानपुर लिए चलते हैं। यहाँ हमारे सहयोगी नीरज अवस्थी ने सफाई कर्मचारियों के साथ बातचीत की है, चलिए आपको भी सुनवाते हैं। कोरोना के बढ़ते कहर के बाद लॉकडाउन का आदेश है, ऐसे में सभी को घरों में रहने की अपील की गई, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी और फर्ज को निभा रहे हैं। ऐसे ही सुरक्षाकर्मी और उनके साथ स्वास्थ्य कर्मी और जो सफाई कर्मी हैं वो हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस समय कि ये साकेत नगर इलाका है, यहाँ सुबह से तमाम जो सफाई कर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। इस महामारी के समय में भी अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। यहाँ ये मौजूद हमारे साथ, उनके साथ बातचीत करेंगे कुछ सफाई कर्मी हैं कि कैसे आप अपने परिवारों को जोखिम में डाल के, अपनी जान को जोखिम में डाल के किस तरीके से काम कर रहे हैं। सर, अपनी ड्यूटी तो निभानी है, और ड्यूटी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? लाग आदेश है तो ड्यूटी समय से करके ही अपने घर को वापस होते हैं। तो बिल्कुल अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपने फ़र्ज़ को निभा रहे हैं। अब आप इतनी बीमारी है, घर जाते हैं तो किस तरीके से ध्यान रखते हैं अपना? सर, जब हम जाते हैं तो पहले अपने शरीर के जितने भी कपड़े हैं, ग्लव्स है, मास्क है, और जो भी हो निरमा को बाहर रख के बिना छुए घर में दरवाजे धर देते, उसको धोने के लिए, फिर नहा धो के फिर साफ़ सुथरा होकर फिर अपने फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, और इसी प्रकार से सारा हम सिस्टम चलता है। सैनिटाइजर से हाथ धोना पड़ता है, हाथ थोड़ी थोड़ी देर में। तो बिल्कुल ये खास ध्यान रख रहे हैं अपना और अपने परिवार का भी, और ड्यूटी निभा रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं सफाई कर्मी, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे वो अपने फ़र्ज को निभा रही हैं और इन चीज़ों को कर रही हैं। आप कैसे काम कर रही हैं, किस तरीके से सुरक्षा, ग्लव्स पहना हुआ, अपने मास्क लगाया, किस तरीके से सुरक्षा? ग्लव्स भी पहने हुए हैं, मास्क भी पहने हुए हैं, काम कर रहे हैं, घर जाते हैं, नहाते धोते, बच्चों को देखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। क्या आपको इस बीमारी से, इस चीज़ों से डर नहीं लग रहा, आप इस तरीके से अपनी ड्यूटी मार रही हैं? अब डर क्या लगता है, सफाई कर्मचारी है तो करेंगे नहीं सर। तो बिल्कुल ये अपने फ़र्ज को निभा रहे हैं बिना डरे और बिना इस बीमारी से डरे हुए, और लोगों को इस ये बीमारी ना फैल सके इसके लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। R9 की टीम इनके जज्बे को सलाम करती है। कैमरा पर्सन पुनीत शुक्ला के साथ नीरज अवस्थी, R9 TV, कानपुर। चलिए अब रामपुर की तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ सफाई कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है, क्या दिक्कतें उन्हें आ रही हैं, हमारे सहयोगी फहीम खान ने जायजा लिया। जिस तरह से देश के अंदर लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन होने के बाद में कुछ लोगों की जो जिम्मेदारी थी वो कुछ बढ़ गई है। जिम्मेदारी में जैसे पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ी है, तो एक और जिनका नाम अभी तक नहीं शायद आया है वो है सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी भी अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, और उनकी जो मेहनत है उसको शायद ही कोई दिखा पा रहा हो, लेकिन आज R9 की टीम, R9 TV की टीम आज पहुंची है सफाई कर्मचारियों के बीच। ये मेरे साथ सफाई कर्मचारी खड़े हैं, मैं इनसे जानूंगा कि वो किस तरह से अपने इस टाइम ये इस काम को ले रहे हैं। देखिए, जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है, जिम्मेदारी बढ़ी है आपकी, जिम्मेदारी बढ़ी है, तो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या सोच है आपकी? जब से लॉकडाउन हुआ है हम अपने नगर की सफाई अच्छी तरह से कर रहे हैं, जैसे प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रशासन को और डॉक्टरों को, उसी तरह हम भी अपने नगर को सैनिटाइज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें अपना देश बचाना, हमें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं लग रही इस समय, क्योंकि हमें अपने देश को बचाना है। हमारी भी एक फैमिली है, हम भी अपनी जान, हमें भी अपनी जान प्यारी है, हम भी अपने परिवार में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी जान को हम नहीं कर सकते, क्या ये काम नहीं कर रहे या हमें बीमारी लग जाएगी, हम भी चाहते हैं कि हम भी घर बैठे, लेकिन नहीं, हमें अपने देश को बचाना है, क्योंकि हम अपने नगर को सैनिटाइज से भी सैनिटाइज़र कर रहे हैं। हाँ, डरते हैं लोग, मगर हम उनको समझाते हैं कि नहीं, मौत तो एक बार आना है, मौत एक बार आना है, बुक्का आवाज़ या बात को आ जाए, मगर हम अपने देश की सेवा करना है। पूरे नगर को रोज़ सैनिटाइज कर रहे हैं, कहीं कोई गली नहीं रही, कोई मोहल्ला नहीं रहा, कोई बाड़ नहीं रहा है, कहीं बड़े टैंक से पानी वाले स्प्रे से, कहीं छोटी टंकी से, हाथ वाली से, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समझा रहे हैं, भैया घर में रहिए आप, हमें अपना काम करने दीजिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए, डॉक्टर भी बेचारे बहुत परेशान हैं, डॉक्टर की टीम भी जगह जगह जा रही है और समझा रही है। आप पूरे और हैं मेरे साथ में सफाई कर्मचारी, यहाँ आप पूरे नगर में घूम रहे हैं जी, पूरे नगर में घूम के आपको ये डर नहीं लग रहा है कि संक्रमण आपको हो सकता है? जी डर तो लग रहा है, मगर अपने देश की सेवा करनी है हमें,
मतलब सफाई करती है। तो जिम्मेदारी का तरह से ये जो आप काम कर रहे हो इस टाइम देश सेवा सोच के कर रहे हो? देश सेवा सोच के कर रहे हैं जी। कि इनकी बात कहने वाला कोई नहीं, इनको टीवी पे भी दिखाने वाला कोई नहीं, आज R9 ने इनको दिखाने का मुहिम चलाई है और आज ये दिखाई देंगे। रामपुर से फहीम खान, R9 TV, उत्तर प्रदेश। रामपुर के बाद सीतापुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अमरजीत सिंह ने यहाँ सफाई कर्मचारियों के साथ बातचीत की है, जायजा लिया है और सुना है कि उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं। कोरोना वायरस ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते कदम को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया है। इस लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में बैठ गए हैं और खुद को सैनिटाइज करके इस महामारी से बचने का भरकस प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में कोरोना वॉरियर्स समाज को सुरक्षित रखने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो या सफाई कर्मी हो। जहां डॉक्टर अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस सड़कों पर लोगों को घरों में रहने की नसीहत दे रही है। वहीं सफाई कर्मी अपने जान का जोखिम उठा करके शहर को स्वच्छ बनाने और स्वस्थ बनाने में जुटे हुए हैं। हम इस समय मौजूद हैं सीतापुर के एक मोहल्ले में, जहाँ पे हमारे साथ कुछ सफाई कर्मी भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे वो किस तरीके से इस पूरे शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बना रहे हैं और कैसे वो खुद को साफ सुथरा रख रहे हैं। ये बताइए कि आप लोगों का जिम्मा है शहर को पूरा नीट एंड क्लीन करने का, साफ सुथरा रखने का, ऐसे में आप कैसे काम करते हैं और कैसे खुद को सुरक्षित रखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी टीम को और पूरी टीम को आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हम लोगों की तरफ मुखातिब हुए हैं और हमसे जो आपने अपेक्षा रखी है उस अपेक्षा में बताना चाहूँगा कि हम लोग मॉर्निंग सुबह 6 बजे यहाँ अपनी ड्यूटियों पे हमारा कर्मचारी समझ सब आ जाता है और 6 बजे से अपना काम शुरू कर देता है और काम के दौरान जो लोग हमें बाहर दिखाई देते हैं उनको भी बताते हैं कि आप लोग घरों में रहो, हाथ धोइए और अपने आप स्वच्छ रखिए, अपना परिवार स्वच्छ रखिए। अब हम लोग कैसे रहते हैं, हमारी पलका प्रशासन ने हमें ये किट दी हुई है सुरक्षा के लिए, तो हम ये किट पहन के घर से अपने निकलते हैं और जब हम अपने घर पे जाते हैं तो अपने हैंड को धो करके अपने आप को स्वच्छ कर करके फिर परिवार में जाते हैं, परिवार में बताते हैं कि घर में साफ सफाई रखी जाए। हमारा पूरा परिवार सफाई कर्मचारी का जितना परिवार है वो अपने परिवारों में साफ सफाई रख रहा है और लोगों को सभी अपील करना चाहते हैं कि वो घरों में रहें और बाहर रोडों पर ना निकलें, क्योंकि सरकार का साथ दें, सरकार आपके संग में कंधे से कंधा मिला के चल रही है, उसका सपना साकार है, कोरोना जैसे को हटाना है, भगाना है और उनके साथ हम आप सभी एकजुट होके उनके कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए हमें और उनकी नियमों का पालन करना चाहिए। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, आप लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें और बाहर ना निकलें, सरकार का सहयोग करें। ये बताइए कि आप लोग सुबह घर से सफाई के लिए निकलते हो, उसके बाद जब घर पहुंचते हो तो खुद को कैसे साफ सुथरा करते हो, कैसे सैनिटाइज करते हो और उसके बाद परिवार के साथ कैसे क्या आप शिफ्ट करते हैं? जब हम लोग घर पहुंचते हैं सबसे पहले आप अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, स्वच्छ करते हैं और फिर घर जाते हैं, नहाते धोते साफ सुथरे से हैं और फिर घर वालों को भी कह रखा है कि सैनिटाइज करिए और 5-10 मिनट बाद हाथ धुलते रहिए और सफाई सुथरा हमें घर में बनाए रखते रहिए। और जब ड्यूटी पर आते हैं तब लोगों से कहते हैं कि घर में रहें और साफ सुथरा मोहल्ले में सफाई बनाए रखें, गंदगी ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहें, क्योंकि सरकार का जो आदेश है उसको पालन किया जाए और वही हम लोग सफाई कर रहे हैं। महामारी फैल रही है, ऐसे में इस बीमारी से डर नहीं लगता आप लोगों को? डर तो नहीं लगता है, क्योंकि सरकार ने हमको बहुत कुछ दे रखा है सफाई सुथरा के लिए, हम लोग सफाई सुथरा कर रहे हैं। अब हम ही लोग जब घर में बैठ जाएंगे तो महामारी तो कस के फैल जाएगी, क्योंकि हम लोग इस समय हमको मौका मिला है सेवा, देश की सेवा करने के लिए, तो जो हो रहा है हम लोग सेवा अपने देश की कर रहे हैं। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि वो अपनी जो उनकी जो जिम्मेदारी है केवल उसका निर्वहन कर रहे हैं और साथ साथ जो समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी उसका निर्वहन कर रहे हैं, इसके साथ जो उनकी परिवार के प्रति जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स के इन योद्धाओं को R9 TV दिल से सलाम करता है और इनके कार्य की सराहना करता है।
कैमरा पर्सन मिराज खान के साथ अमरजीत सिंह, R9 TV। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में हमारे सहयोगी जो है वो पहुँचे और उन्होंने सफाई कर्मचारियों से न सिर्फ बातचीत की, उनकी दिक्कतों को भी जाना, समझा कि किस तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन तमाम सफाई कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे थे कि वो लोगों की सुरक्षा में बाहर निकले हैं और लोग जो हैं वो घरों में रहें ताकि उनकी सुरक्षा जो है वो हो पाए। तो ऐसे सफाई कर्मचारियों को, ऐसे कोरोना वॉरियर्स को हम बिग सल्यूट करते हैं। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए R9 TV सिर्फ खबर के लिए। हम लोग तो पत्नी की सेवा में लगे हुए हैं, मोदी का आदेश टीम को।